हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम गाइड यूट्यूब चैनल। आज का जो प्रोग्राम है ये एक कहानी है रमेश और कमला की, कि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि एक संडे इवनिंग को वो एक ब्यूटीफुल सनसेट व्यू देखने जाएंगे और वो साइकिल से जाएंगे। तो इस स्टोरी में हम स्क्रैच जूनियर यूज करके वो इमेजिनरी स्टोरी, एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस प्रोग्राम में हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और जहां पे हम सीखेंगे क्रेज जूनियर यूज करके एक इमेजिनरी स्टोरी कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम अपने स्टेप शुरू करते हैं। देखो, इसमें हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है वो लगता है आपको थोड़ा लंबा है, पर इंटरेस्टिंग है और ये सारा स्टेप हम पहले भी कर चुके हैं। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज दिखा देता हूं जो दूसरे प्रोग्राम में शायद नहीं है। तो इसमें देखो, हमने 1, 2, 3, 4 स्क्रीन लिए हैं और अलग अलग स्क्रीन से हम ये दिखाएंगे कि हम अलग अलग सीन पे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्क्रीन है उसका जो बैकग्राउंड लिया है वो बहुत सिंपल है, आप पहले प्रोग्राम में भी देख चुके हैं कैसे बैकग्राउंड लेते हैं। और बाय द वे मैं एक चीज बता देता हूँ, इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले जरूर हमारे लेसन नंबर 1 को देखें, हाउ टू इंस्टॉल स्क्रैच जूनियर, आप मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सारा वीडियो में दिया हुआ है। और सीरियली आप लेसन को देखें, 1 के बाद 2 देखें, ऐसे ऐसे सिक्वेंस में आए आप, ये 7 नंबर लेसन है। तो अगर आप सब लेसन को सिक्वेंशियली देखेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। फिर भी मैं इस वीडियो में दिखा देता हूं कैसे करना है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए ये जो पिक्चर वाला बटन है उस पर क्लिक करना है और नीचे जाना है, ये जो बैकग्राउंड है उसको हमने लिया है सिटी का, ठीक है, उसको क्लिक करने से, टिक मार्क में क्लिक करने से आ जाएगा। उसके बाद हमने 2 करेक्टर लिया, देखो वेरी सिंपल है, वो लेफ्ट साइड का जो करेक्टर प्लस साइन है उसमें क्लिक करो और ये देखो नीचे स्क्रॉल करते जाओ आपको ये साइकिल वाला एक लड़का और एक लड़की मिल जाएगा जिनका नाम हम इमेजिनरी रमेश और कमला दिया है, ठीक है। दूसरा स्क्रीन पे भी हम यही करेक्टर यूज करेंगे। तो प्रोग्राम क्या किया है हमने, देखो पहले ये जो कमला है उसको सिलेक्ट किया, ये तो कमला का डिक्टो आ गया है। पहले हम ग्रीन स्क्रीन से स्टार्ट किया। तो ये जो प्रोग्राम है देखो, उसमें हम नया ब्लॉक कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, वो पहले भी यूज कर चुके हैं। ये ग्रीन फ्लैग जहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है उसको शुरू किया, उससे शुरू किया। उसके बाद हमने एक मैसेज ब्लॉक लिया, वो मैसेज ब्लॉक यहाँ पे होता है, देखो ये जो पर्पल कलर का है उसमें से हाई वाला मैसेज लिया और उस पर क्लिक किया। उसमें आपको दिखाई देगा कि आप कैसे मैसेज टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, देखो हाय रमेश कहाँ जा रहे हैं, तो मैसेज को क्लिक करने से आ जाएगा। फिर हमने 10 सेकंड वेट किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सामने वाले को सुनना होता है ना, अगर वो ना सुने, दोनों अगर एक ही साथ में बात करे तो किसी का बात सुनाई नहीं देगा। तो हमने 10 जो वेट ब्लॉक है उसको यूज किया, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लाई आया वो है क्या कि ऐसे ही जा रहा हूं, उसमें दिया हमने ऐसे ही जा रहा हूं। फिर हमने 10 सेकंड का वेट दिया, तो देखो उसमें दोनों करेक्टर में अलग अलग प्रोग्राम किया। पहले वाला करेक्टर को देखो, फर्स्ट स्टेप में वो 7 स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड में, दैट मींस कमला वो उल्टी से तरफ से आ रही है, ठीक है। तो उसका इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक में हम देखेंगे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, वो जो रमेश है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो जब कमला ने ये मैसेज दिया हाय रमेश कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, तो रमेश का रिप्लाई उसमें आ रहा है आपको, देखो हेलो कमला वेट किया 10 सेकंड, कहाँ जा रहे हैं, ये जो कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद ये कमला का रिप्लाई क्या, ऐसे ही जा रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद वो 10 सेकंड वेट किया, फिर हम रमेश के मैसेज देखते हैं, तो रमेश ने क्या कहा, 10 सेकंड वेट करते हुए कहा, क्यों ना हम स्क्रीन 1 पे जाना पड़ेगा, क्यों ना हम आज सनसेट देखने जाए। तो उसने प्लान बनाया,
तो उसका रिप्लाई में उसने क्या कहा, देखो उसके उसका मैसेज ये था, कमला के मैसेज ये है कि चलो हम चलते हैं। फिर दुरु ने क्या किया, देखो हम पहले सीन में जाते हैं और उसको पूरा पहले से स्टार्ट करते हैं। अब सीन को देखो, ये कमला और रमेश आया, एक दूसरे के मैसेज दैट मीन्स कम्युनिकेशन हुआ, फिर वो वहां से वापस चले गए, दैट मीन्स प्लान बनाया चलो हम चलते हैं करके, दोनों वापस गए दाएं तरफ, दैट मीन्स सनसेट वाला जगह इस तरफ से जाते हैं, दाएं रूट से जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया, नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोगों ने वैसे कुछ स्पीड को इंक्रीज किया डिक्रीज किया, फिर वो सनसेट वाला जगह पे आया, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, देखो खाली मैसेज ब्लॉक को यूज किया और 50 सेकेंड मिली सेकेंड वेट करवाया, फिर हम वापस आ गए। तो अब हमारा प्रोग्राम बाय करके खत्म हो गया। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो चलो के बाद 10 सेकेंड वेट किया, फिर वो 3 सेकेंड राइट की तरफ चला गया 3 स्टेप, फिर 10 मिली सेकेंड वेट किया, और एक रिपीट ब्लॉक के अंदर क्या किया हम लोगों ने, देखो हम रिपीट ब्लॉक को सेपरेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो उसमें जो रिपीट ब्लॉक है, रिपीट ब्लॉक के अंदर में हम लोगों ने मूव राइट को 2 स्टेप दिया, फिर वो जो स्पीड इंक्रीज करने का है देखो ये जो है उसको क्लिक किया और उसको थोड़ा फास्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम 3 स्टेप दिया मूव राइट ब्लॉक से, फिर हमने स्पीड को चेंज किया, फिर 5 स्टेप दिया, और इन तीनों स्टेप को हमने रिपीट ब्लॉक के अंदर 4 बार घुमाया। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन जाने के लिए हम लोगों ने ये Page 2 सिलेक्ट किया, इस ब्लॉक को दे दिया। सेम प्रोग्राम उसमें है, खाली मूवमेंट में थोड़ा चेंजेस है। तो ये जो रमेश का स्क्रीन जो है उसमें भी हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया, उसको पहले 2 स्टेप दाएं तरफ दिया, फिर उसका स्पीड इंक्रीज किया, फिर उसको 3 स्टेप आगे दिया, फिर स्पीड कम किया, फिर उसको 5 स्टेप आगे दिया, और सेम प्रोग्राम सेट को 4 बार रिपीट किया। और वहां से ये जो एंड ब्लॉक है, एंड ब्लॉक में आपको ऑप्शन है कि जितना सारा पेज ऐड करेंगे उसी के हिसाब से आपको पर्टिकुलर पेज पे जाने का ऑप्शन है। तो ये Page 1 है जिसमें हम लोगों ने 2, 3 और 4 को देख रहे हैं। तो दैट मीन्स आप अगर Page 1 पे हो तो आप Page 1 पे नहीं जा सकते हो, इधर 2, 3 और 4 पे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 2 को सिलेक्ट किया, ये हो गया इस पेज का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो नेक्स्ट पेज में कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है कि हम उसके रिपीट ब्लॉक में 3 मूव राइट ब्लॉक डालेंगे, और पहले वाला मूव राइट में 3 स्टेप देंगे, उसके बाद स्पीड को इंक्रीज करेंगे सेट स्पीड ब्लॉक के साथ, फिर हम मूव राइट में 4 स्टेप जाने देंगे और स्पीड को थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद नॉर्मल स्पीड में 3 स्टेप जाएगा और उसको हम 3, 4 बार रिपीट करेंगे। और सिमिलरली उसका प्रोग्राम जब खत्म होगा Page 2 की, तो वो 3rd पेज में जाने के लिए एंड ब्लॉक को हमने Page 3 दिया। ये सेम प्रोग्राम है ऑलमोस्ट दोनों करेक्टर के लिए, ठीक है। तो इस पेज को अगर हम रन करते हैं तो देखो कैसे चलते हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, वो सेम ही स्टेप है बट रिपीट कर रहे हैं, हम वहां दिखा रहे हैं कि वो साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाले स्टेप जो है वहां पे हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम जाके देखो ये जो मैसेज ब्लॉक है उसके द्वारा हम दे रहे हैं कि वाह वो कितना अच्छा सीन है ऐसा कुछ, फिर हम 50 मिली सेकेंड वेट कराएंगे, क्योंकि अगर आप कोई सीन को देखने जाते हो ना तो 1-2 सेकंड में तो नहीं होगा। फिर हम Page 4 में डाल दिया, सेम प्रोग्राम है दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Page 3 का प्रोग्राम। Page 4 मीन्स पहले जहां से उन लोगों का जर्नी शुरू हुआ था उसी में हम लोगों ने दोनों को लेके जा दोनों करेक्टर को लेके जाना है। तो वहां दोनों जाएंगे और जहां से शुरू किए थे वहां से वो लेफ्ट दैट इज आपका डिपार्चर ले लेंगे, बाय बाय टाटा कहके, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम क्या लिखा, रिपीट ब्लॉक के अंदर मूव लेफ्ट जो है उसको 3 बार चलाया और मूव फिर स्पीड इंक्रीज करके 3, 4 बार चलाया और उसी को हम रिपीट किया, और फिर टेक बाय बाय टेक केयर, कमला ने बोला बाय और उसने बोला टेक केयर। हम उसको एक बार रन करके देखते हैं कैसा चल रहा है। वहां तक आया दोनों,
अब दोनों बाय बाय करके चला गए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो था आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा पर बहुत अच्छा है। ये इस इमेजिनरी स्टोरी का बिगिनिंग है, आप अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे, कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपको तो हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे। या तो अगर टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत खास है तो उसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय।